शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम लोग मौजूद हैं इस समय नलगढ़ा, नलगढ़ा में उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पौराणिक कथाओं में भी बताया जाता है और पुराने दस्तावेजों में भी इस गांव का जिक्र होता है कि आज़ादी के परवाने भगत सिंह, बटुक केशव दत्त, राजगुरु, उन्होंने यहाँ एक बम की का निर्माण किया और जिस बम को असेंबली में दिल्ली में अंग्रेजों के कान खोलने के लिए जो बम फेंका गया, उस बम से हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही होना था, केवल एक आवाज़ लगानी थी और वो आवाज़ इस देश में आज़ादी की अलख जगाने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। आज चेतनमंच पहुंचा है नलगढ़ा, आज आज़ादी के उस परवाने का जन्मदिन है, लेकिन यहाँ के हालात और परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रशासनिक तंत्र के अलावा यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो भी इस गांव को याद करने नहीं आए हैं। मैं आज सुबह जब अखबारों को पलटने का प्रयास कर रहा था तो मैंने देखा एक भी अखबार में कोई एडिटोरियल ऐसा नहीं था जिसमें भगत सिंह या नलगढ़ा का जिक्र हो। ये वो पत्थर है जिस पत्थर के जरिए उस बम का निर्माण किया गया या उसको टेस्ट किया गया, किस तरीके से इसमें बारूद करते थे, कि इसके दस्तावेज तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये पत्थर जरूर यहाँ पर है। और प्रशासनिक तंत्र में अगर बात की जाए तो यहाँ के जिलाधिकारी रहे हैं NP सिंह, उन्होंने एक बार जरूर यहाँ आकर पूजा अर्चना कराई थी, लेकिन आज भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर ये बिल्कुल दिखा दें हम आपको, ये गुरुद्वारा है, यहाँ किसी तरीके की एक अजीब सी खामोशी यहाँ महसूस की जा सकती है। कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं, उसे उन्हें याद करने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं। क्या कभी सोचा था उन्होंने ऐसे देश के लिए, इसी देश की कल्पना की थी, जिन्होंने अपने परिवार को, जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। ज्ञानी जी, ये जो पत्थर है, इस पत्थर की महत्वता आप क्या समझते हैं और आज के मायने क्या हैं? भगत सिंह का आज जन्म दिवस है। देखिए, जिस जगह हम आज खड़े हैं ये शहीदों की कर्मस्थली नलगढ़ा नारायणगढ़ है, जो नोएडा के सेक्टर 145 में स्थित है। हमारे पास शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्होंने असेंबली में बम गिराए थे 1929 ईस्वी में, जिनका आज जन्मदिन आज मना रहे हैं। हम उसी पत्थर के पास खड़े हैं जिस पत्थर के द्वारा सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह ने 1929 में असेंबली में बम गिराए थे। जैसा कि हम आप देख रहे हैं, ये पत्थर है, इसके दो साइड ये सुराख हैं, उनका एक इधर और एक दूसरी साइड, एक लेफ्ट साइड में है, दूसरा राइट साइड में है। कहते हैं कि उनका कोई पुराना प्रोसेसर रहा होगा। कहते हैं जो 1929 में जो असेंबली में उन्होंने बम गिराए थे, उस बमों का जो मैगजीन था, बारूद था, वो इस पत्थर के द्वारा ही तैयार किया गया था। और भी यहाँ पर कई साक्ष्य हमारे यहाँ मौजूद हैं, जैसे सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह और हिंद फौज में जो कमांडर हैं सरदार करनैल सिंह, उनका परिवार भी आज यहाँ मौजूद है, बीवी मंजीत कौर। और सरदार महात्मा गांधी जी ने जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह और इन क्रांतिकारी भाइयों के लिए चिट्ठी लिखी थी, वो यहाँ मौजूद है आज भी, 100 साल पुराना पोस्ट कार्ड। इसको प्रशासनिक लोग यहाँ पे, क्योंकि एक बार यहाँ पे जिलाधिकारी रहे हैं NP सिंह, उनके समय में यहाँ पे ज़रूर कुछ काम होते थे और इसकी पूजा अर्चना के लिए भी लोग आते थे कि भाई 26 जनवरी, 15 अगस्त और उसके अलावा इस तरीके के जो दिन हैं, उन दिनों पर यहाँ पर इस तरीके के आयोजन हों ताकि शहीदों को याद किया जा सके। तो ऐसा कोई आयोजन सरकारी स्तर पर कोई हुआ? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा मेरे से कि यहाँ पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या शहीद आजम जी का जो अपना शहीदी दिहाड़ा मनाते हैं, जो 23 मार्च को हम, उस पर यहाँ पर लोग आते हैं, और 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को यहाँ पर स्कूलों से बच्चे भी आते हैं, सही इन्हें अपने सलाम देने के लिए, इन्हें
प्रणाम करने के लिए हमारे इस पत्थर को। देखिए पत्रकार भी हमारे पास आए, एबीपी न्यूज़ वाले भी आए, दैनिक जागरण वाले भी आते हैं, लेकिन सब आश्वासन देकर चले जाते हैं। वो कहते हैं हम सरकार तक आपकी मांगें पहुँचाएँगे, आपकी बात पहुँचाएँगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ जो पॉपुलेशन इस गांव में जो रहती है और जो आबादी है, वो लोग कहाँ से किस तरीके से, या ये पहला कोई पौराणिक गांव था? ये राजस्व में तो शायद मेघा से इस गांव का नाम नहीं है। देखिए जैसा कि हम अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा, जो यहाँ पर जो गांव रहने वाले हैं वो सरदार भगत सिंह के वंशज हैं। सर जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, सरदार करनैल सिंह जो हिंद फौज में कमांडर रहे, सुभाष जी के साथ उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, उनके आज भी यहाँ परिवार मौजूद है। बीबी मंजीत कौर उनके पुत्र वधु हैं जो, और उनके पोत्री हैं यहाँ मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम वही परिवार यहाँ पर आया था 1962 ईस्वी में। उसके बाद धीरे धीरे जो लागू तागू उनके जो रिश्तेदार थे वो लोग यहाँ आए। यहाँ दो परिवार मौजूद हैं, ये एक पन्नू परिवार है और एक संधू परिवार जो सरदार भगत सिंह इनसे रिलेटेड है। निखिल, भगत सिंह के मायने? भगत सिंह हमारे देश एक शहीद थे, जिनको आज उनका 115वां जन्मदिन है और उनको हम लोग आज याद कर रहे हैं। हम यहाँ नलगढ़ा गांव में आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो राजगुरु और अपने कुछ और सहयोगियों के साथ करीब 3 साल तक यहाँ रहे थे, और जो असेंबली में जो उन्होंने बम फोड़ा था जिसके बाद उनको फांसी की सज़ा हुई थी, वो उन लोगों ने यहीं पर बनाया था। और यहाँ पे उनके रहने की एक ये वजह थी क्योंकि उस टाइम पे ये थोड़ा जंगल का इलाका हुआ करता था, तो सरकार अंग्रेजी सरकार जो थी, हुकूमत जो थी, उनको यहाँ पे उनको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल था। और यहाँ से दिल्ली उस समय करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करती थी, तो उनके लिए ये जगह आसान थी ताकि वो वहाँ जाके असेंबली में बम फोड़ सकें और अंग्रेज़ी हुकूमत को ये बता सकें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये दिल्ली के पास में एकांत क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर एक साइड में जमुना बग रही है और दूसरी साइड में हिंडन बग रही है। इसी कारण से जो क्रांतिकारी भाई हैं उन्हें छुपने के लिए एकांत जगह मानी जाती थी। यहाँ भीड़ हुआ करती थी, ये गांव नहीं था। और कहते हैं कि पुराना जो नाम है इस गांव का वो नारायणगढ़ हुआ करता था, लेकिन सर्वप्रथम जो यहाँ पर जो हैंडपम्प गाड़ा था वो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने यहीं पर गाड़ा था। इसी करके इस गाँव का नाम नलगढ़ा पड़ा, क्योंकि लोग कहते थे भी आज कहाँ जा रहे हो, जहाँ पर क्या नलगढ़ा हुआ है, नलगढ़ा। कहते हैं कि यहाँ पर उस टाइम नीचे पानी बगता था, अच्छे सुविधा यहाँ कीड़े कंडे सांप बिच्छू ये रहा करते थे, लेकिन वो लोग क्रांतिकारी जो भाई हैं जो अपनी गुप्त योजनाएं बनाते थे, वो रात को पेड़ों पर ही सोते थे, पेड़ों पर ही बैठते थे। और कहते हैं यहीं पर उन्होंने अपना एकांत स्थल बनाया हुआ था जो दिल्ली के पास में था। कहते हैं सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह ने जो 1929 में जो असेंबली में बम गिराए, उस समय कहते हैं 6 साल उन्होंने अपने अंतिम 6 साल उन्होंने यहीं बिताए हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दे दी थी। प्रवीण, यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हो? एक तो शिकायत महसूस कर रहा हूँ मैं कि सरकार से कहीं ना कहीं शिकायत है कि आज एक वैसे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने एक गर्म दल के नेता कहा जाता है कि उन्होंने एक अलग आग फैलाई, हुंकार भरा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे साथी ने बताया, लेकिन आज यहाँ कुछ नहीं है। एक शांति, कुछ लोग हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ, कुछ लोग रहते हैं। वो पत्थर जिस पे उन्होंने बम कभी प्रैक्टिस किया था या फिर कुछ भी, लेकिन वो वैसे ही उस पे कुछ भी कोई अच्छे तरीके से नहीं रखा गया उसको, तो मुझे लगता है फीका फीका सा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक सरकार से कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई कि आज यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए था, ये महसूस। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो महात्मा गांधी के की अहिंसा, हम परमो धर्मा, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन भगत सिंह ऐसे नेता हुए, ऐसे स्वतंत्र सेनानी हुए जिन्होंने ये बताया कि हम लड़ भी सकते हैं और अगर आप नहीं दोगे आज़ादी तो हम छीन सकते हैं। शहीद भगत सिंह की यादों को सजोने के लिए शहीद भगत सिंह स्मारक का निर्माण नलगढ़ा में होना था। हरित नोएडा, स्वच्छ नोएडा, आप खुद देख सकते हैं, पटेरा खड़ा हुआ है, किकरौड खड़ी हुई है। ये तकरीबन 12 एकड़ के आसपास ये ज़मीन है जो ज़मीन एक स्मारक के लिए बनाई गई है, इसमें ताकि भगत सिंह की यादों को सजोया जा सके, क्योंकि नलगढ़ा का इतिहास भगत सिंह को बताता है। भैया, ये जो जगह है, इस जगह का ये जो बोर्ड जो लगाया गया है, ये कितने पहले लगाया है? ये 5-6 साल हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ कोई देखने नहीं आया? नहीं, कुछ ऐसे आते हैं मीडिया वाले, देख के चले जाते हैं फोटो ले। अच्छा,
अधिकारी वगैरह आते हैं कभी? नहीं नहीं कोई नहीं आता। इसकी कोई बाउंड्री वाउंड्री करने के लिए कोई कुछ नहीं है करने आता है? इस गांव में कोई लोग कुछ लोग ऐसे नहीं हैं कि जो भगत सिंह की यादों को सजोने के लिए सरकार पे नेताओं पे कुछ प्रेशर बनाते हों या उनसे कहते हों निवेदन करते हों? कहते हैं फिर कोई कुछ नहीं करता। ये जो बोर्ड है ये कब गड़ा? नहीं पर गड़ा बड़ा बोर्ड, इससे बड़ा बोर्ड भीतर है अंदर। कब गड़े हैं? कम से कम वो लगा अब 10-11 साल हो गए दिखे ना। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं क्या? ये जो हालात हैं, इन हालात हालात क्या, चोरों का घर बना रखा है अड्डा, ये गवर्नमेंट ने बना रखा क्या है? इसमें फर्क क्यों नहीं बनाते इसमें गवर्नमेंट, जब सुविधा दे रही है हमसे जमीन लिए इन्होंने, क्यों नहीं बनाते इसमें बताओ? इतना इसमें कचरा है, कोड़े सांप जा रहे हैं, कितना इसमें कबाड़ खड़ा हुआ है, क्या क्यों नहीं बनाते इसको? आज 15-20 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, कभी कहते हैं अब बनेगा, कभी कहते हैं तब बनेगा, कभी ये सरकार आएगी, कभी कोई सरकार आएगी, कोई नहीं बनाते, सब खाने वाले सब आते हैं चले जाते हैं, सब बस घूम के देख के ऐसे एक बार इसकी नपाई कर दी, पैमाइश कर जाते हैं, अब बनाएंगे तब बनाएंगे, कभी कहते हैं स्मारक पार्क है, कभी कहते हैं भाई इसको इसमें और लगाएंगे, मूर्ति लगाएंगे, इसमें सेक्टर बनाएगा बहुत अच्छा बनेगा, कुछ नहीं क्या बनेगा, गंद गंद पैदा कर रखा है इसमें, ये सब देखो कितना कचरा, गाँव भी गंदगी, गोबर मिट्टी धूल सब कुछ इसमें जमा हुआ है, क्या भैया ये करने वाली नीति थोड़ी, जो करेंगे तो अच्छे से करें, इनको बनाएं बड़े तरीके से। प्रधानमंत्री ने गुजरात में वो इतनी बड़ा वो बना दिया स्टैचू, प्रधानमंत्री ने कहाँ स्टैचू बना दिया? प्रधानमंत्री देश में हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ मर रहे हैं और योजनाएं दिखा रहा है, भारत से पाकिस्तान में योजना ने बता रहा है, यहाँ दे हमको योजनाएं दे, यहाँ क्यों नहीं दे रहा? गुजरात में तो बनाया इतना बड़ा, गुजरात का तो रहने वाला है वो, अपने क्षेत्र का तो अपने नाम चमका के, ये सरकार घिनौनी सरकार है, हरकतबाजी करती है, कोई इनका ठिकाना नहीं है, झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। मोदी जी को ये कहा था राजस्थान में किसी बुजुर्ग महिला ने, मोदी जी आप सब अच्छे हो पर मगर तुम में एक कमी है, मोदी जी क्या कमी है? तुम झूठ बोलते हो, ये 100% बात, झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, 100% झूठ बोलते हैं सब, बस इसमें नेता हैं तो दो हैं, योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फर्स्ट दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह, बाकी ये सब ठेलू कुछ नहीं है, ये झूठ बोलकर और जनता को बहकाकर ये वोट का चक्कर है, वोट को ले लेते हैं और उसके बाद में लात मार देते हैं कहीं जाओ, क्या किसी महिला की या बुजुर्ग आदमी की या जो किसी को पेंसिल दे रहे हैं क्या, ये क्या दे रहे हैं बताओ, किसी को कुछ दे रहे हैं किसी को आज तक? किसी विधवा को कोई पेंसिल नहीं, कोई उसको वो नहीं, कोई राशन 2 महीने के लालच दे दिया वोट के चक्कर में। आप तो इतने जागरूक व्यक्ति लग रहे हैं मुझे जी, लेकिन कभी ये जो शहीद भगत सिंह का स्मारक है इसको लेके कभी योगी जी से कोई मुलाकात करने का प्रयास किया हो कोई यहाँ पर, क्योंकि जो लोकल जो लीडर हैं उनसे कोई बात कभी करी हो? लोकल लीडर क्या खाने वाले हैं भैया, सब जितने भी लोकल लीडर हैं सब खाने वाले, हमको उसको खाने के में दो। योगी जी ठीक अपनी तरफ से काम ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, कोई पर वहाँ तक पहुँचते नहीं पा रहे, हम नहीं हम जा पा रहे हैं, वो यहाँ आते कभी कभी नोएडा में आते हैं तो बाहर से बाहर निकल जाते हैं, अपना काम किया चले गए, अभी पीछे आए थे एक्सपो मार्ट में आए थे पीछे अभी तो योगी जी ठीक है अपनी जगह ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है। इस गांव में कुछ जमीनों के कुछ विवाद हैं क्या? यहाँ से अगर थोड़ी दूर चले जाएं तो एक शहीद स्मारक बनाया बहुत बढ़िया, शहीद स्मारक है ये है वो शहीद स्मारक, हाँ पार्क शहीद पार्क, शहीद पार्क हाँ ये शहीद, हाँ हाँ वो पहले हमारे यहाँ था, उसके बाद में चेंजिंग कर दी इसने, इन्होंने बदलाव कर दिया, यहाँ शहीद भगत सिंह का ये स्थल बना दिया, अब ये भी पेंडिंग में 15 साल से पड़ा हुआ है, ऐसे ही देखो क्या स्थिति हो रही है आज की डेट में, तो क्या करेंगे ये तो ये सब खाने वाले ये सब टटभैया बनाते हैं भैया, कुछ नहीं है ये तो ये है, तुरंत काम करेंगे तुरंत हाल तो ठीक है, अन्य तो क्या। योगी जी से कोई मैसेज देना चाहेंगे? योगी जी को नहीं, योगी जी को मैसेज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम योगी जी को ये मैसेज देंगे, हमारे गाँव के पास में कितना गंदा, कितना कुछ रोड नाली सब ठप पड़े हुए हैं और सब इसमें कचरा शाम बिहारे हुए हैं, रात को चोर रहते हैं इसमें। भाई साहब ये कब से ये जो हालात हैं इनके लिए क्या कहोगे? हालात तो यहाँ तो जैसे आप प्रेस रिपोर्टर भाई हो ना, यहाँ तो आते ही रहे हैं और हर साल ले जाम बना के भी, तो इसको अभी कोई कर नहीं रहे, अभी इसमें लेबर भी एक बार आई फिर पता नहीं पोस्टपोन्ड होगा क्या हुआ। सरकार कोई बताते इसमें कुछ विवाद है कुछ जमीन में? नहीं विवाद कुछ नहीं इसमें, कोई विवाद नहीं है, ये तो नोएडा की जमीन है, नोएडा ये बन क्यों नहीं पा रहा, सरकारें रहती ये तो देखो जी, भगत सिंह तो सबके हैं, भगत सिंह तो अब ये तो प्रशासन को सरकार को ही मालूम है, अब हम कैसे बताऊं इसमें। गुजरात में वो स्टैचू बन गया इतना बड़ा, हाँ नहीं उस तो हमें तो पता नहीं क्या बन गया, पर इसको बनवा दें तो हमें तो अच्छा लगेगा, यहाँ गांव की सुविधा होगी, बच्चे खेलेंगे और भी। आज आज भगत सिंह जी का जन्मदिन था तो कोई गांव में कोई कार्यक्रम वगैरह?
नहीं किया लोगों ने, क्या कुछ कहेंगे? ना कार्यक्रम तो यहाँ नहीं किया जी वैसे, अब आप अच्छा आप लोग तो हो यहाँ, उनकी तो आस्था तो आपसे जुड़ी होगी। आस्था जुड़ी हुई है, हमारा गांव जो है शहीद भगत सिंह के ही जमाने से प्रसिद्ध है, कांगलगढ़ा फार्म, सुखदेव सिंह और राजगुरु ये हमारे यहाँ, उनका पत्थर भी रखा हुआ है, असेंबली के पत्थर है, बम बनाते थे उस टाइम बहुत लंबे पहले। बता दें चौधरी घर से बने आदमी, जब आप याद नहीं करोगे तो कोई क्यों याद करेगा? नहीं हम तो याद करते हैं, जिस लायक है हम करते हैं, गवर्नमेंट के हमें हेल्प दे याद करें। आज हमारा पत्थर 50 साल से पड़ा हुआ है, हम गुरुद्वारे में रखा हुआ है, हमने वहाँ धर्मस्थल की जगह में रखा हुआ है, क्या किया बता गवर्नमेंट ने, कितने हमने मैसेज गवर्नमेंट को भी दिए हैं, तो कुछ किया आज तक बताओ क्या किया है? एक हमारा गांव में गेट भी नहीं बन सकता बच्चों के लिए, कोई स्कूल नहीं, कोई धर्मस्थल बनाए, कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, क्या कर रहे हैं बताओ? कोई बड़ा घर बनाए हैं? वो भी नहीं है, शमशान घाट भी नहीं बना यहाँ पर, मतलब ऐसा गांव में शमशान घाट ही नहीं है? नहीं है, शमशान घाट नहीं है, क्या तो नोएडा शहर बस नोएडा शमशान घाट की बना नहीं है, या किसी भी चौराहे पे पूछ लो, शमशान घाट नहीं है, स्कूल नहीं है, बारात घर नहीं है, अब उसी में वो ये दिक्कत है, वो खम्भा से गड़ के उसी में जला रहे। स्मारक नहीं बन रहा, स्मारक काफ़ी बार हमने का नाम है अपने उनको देशवा अपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी हमने मेल वगैरह करके और उनको किया है, कुछ भी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। मक्का कह रहे हैं यही कह रहे हैं ना, यह गांव में इतने इतने बालक पढ़ने जा में दूसरे गांव में, और ना ही अस्पताल ही ना ही स्कूल ही, कोई चीज़ का साधन नहीं है यहाँ। अच्छा ऐसा बताने के तो दो आपका क्षेत्र था, इधर हिंडन इधर यमुना है ना, तो क्योंकि हमसे तो आपकी उम्र ज्यादा है, तो आपने वो मुफली से देखी है कि यहाँ पानी पानी रहता है? ये जो जहाँ पे ये देख रहा है ना आपको बोट लगा हुआ, यहाँ इतना तेज पानी बहता था कि आप पार नहीं हो सकते थे, ये ऐसा नाला था। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। नलगढ़ा से राजकुमार चौधरी, चेतना मंच।